स्वागत है आपका दैनिक सवेरा टीवी पर। 4 जनवरी को सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर पंजाब के 2 युवकों ने जबरन घुसने की कोशिश की थी। इसके चलते महाराष्ट्र पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया। अजेश कुमार और गुरसेवक सिंह को अब महाराष्ट्र पुलिस ने रिहा कर दिया है। उनमें से अजेश कुमार महाराष्ट्र से वापस आने के बाद सीधा अपने मामा के घर जो दुतरावली पिंड लॉरेंस बिश्नोई का गांव है वहां पर गया और वहां से एक्सक्लूसिवली दैनिक सवेरा के साथ बातचीत की है। हमने तमाम सवाल किए अजेश कुमार के साथ कि उसने क्यों सलमान खान के फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की, क्यों उसने फेक आईडीज बनाई, क्या मकसद था मुंबई जाने का, अपने गांव से भागने का क्या मकसद था और क्या अजेश कुमार का लॉरेंस बिश्नोई के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं। ये तमाम सवालों के जवाब खुद अजेश कुमार ने दैनिक सवेरा पर रखे हैं। आपको हम दैनिक सवेरा के साथ अजेश कुमार की वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुना रहे हैं। अजेश कुमार जी, आप पर आरोप लगा था कि आप सलमान खान के घर पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते आपको महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। अब आप वापस आ चुके हो, आप क्यों गए थे सलमान खान के फार्म हाउस? सर जी, सलमान खान के फार्म हाउस में गया था, उससे पहले काफी जगह पे घूम चुका था मैं। मतलब मैं, मेरा कोई वैसे मकसद नहीं था कि मैं सिर्फ सलमान खान के घर पे ही जाऊंगा या मैं वहीं पे फोटो लूंगा। मेरा काम करने का इरादा था वहाँ पे, फिर मैं काम करने के लिए गया था, पर उससे पहले काम नहीं मिला था वहाँ पे, अच्छा मुझे कोई नहीं अच्छा। लगा था तो मैं वहाँ पे गया था, पर मेरे पे वहाँ पे कुछ आरोप गलत लगाए गए हैं मीडिया की ओर से। वहाँ पे ये बताया गया कि तारबंदी तोड़ के अंदर घुस रहे थे, ना ही तो तारबंदी तोड़ने की कोई कोशिश की गई थी वहाँ पे, ना ऐसा कुछ था। वहाँ पे मैंने नाम भी अपना गलत नहीं बताया और जो मतलब मेरे पास वहाँ पे आईडी नहीं थी, ये मानता हूँ मैं, पर वहाँ पे जो बताया मैंने, नाम बताया, आईडी बताई, जो भी कुछ बताया वो सही बताया था, पर वहाँ पे आईडी नहीं थी। पर आईडी मेरे पास वो फेक थी, वो मैंने वहाँ पे डिलीट कर दी थी इसलिए क्योंकि वो फेक थी। अच्छा, फेक आईडी आपने क्यों ली थी? फेक आईडी सर, वहाँ पे रूम नहीं मिल रहा था इसलिए फेक आईडी ली थी। यहाँ से मैंने फोन भी किया था, पर किसी भाई ने, भाई से फोन करवाया था, बोला था, मैंने बोला था कि आईडी भेज दो तुम। अच्छा, तो उसने बोला कि मेरे को टाइम लगेगा अभी, वहाँ पे रूम नहीं। आपकी सच्ची आईडी आपको नहीं मिली, रूम लेना था, तो फिर किसी ने वहाँ पे बॉम्बे में आपको फेक आईडी दिलवाई थी? हाँ जी, दिलवाई नहीं थी वैसे, फोन से कोई एप्लीकेशन से उसने बताया था कि ऐसे करके, ऐसे डाउनलोड करके आईडी, और उसने मतलब सब कुछ हमें बता के करवा के उसके बाद ही वो गया था। उसने बताया अब कहीं भी रूम ले सकते हो आप। आपके गांव में आपके झगड़ा हुआ था जिसके चलते आपके पर्चा दर्ज हुआ था, इस करके आप अपने गांव से भागे थे, फरार चल रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, इस करके मतलब मेरे पे केस था यहाँ पे, और पुलिस मारपीट के बारे में बोल रही थी कि इसको मारेंगे, ऐसे करेंगे, इसलिए मैं वहाँ पे चला गया था कि वहाँ पे काम मिल जाएगा। अच्छा, क्या काम करने गए थे आप? फर्नीचर का काम करने गया था सर। आपका दोस्त भी साथ था आपके? हाँ जी, मेरा दोस्त भी साथ था एक। तो अच्छा, फिर आप जब सलमान खान के फार्म हाउस पर पहुंचे तो हुआ क्या था वहाँ पर, पूरा बताइए पूरी घटना। सर जी, फार्म हाउस पे गए, वहाँ पे उन लोगों ने मेरे से आईडी मांगी, पर अब मेरे पास आईडी नहीं थी ओरिजिनल, मैंने उनको नहीं दी। पर मैंने उनको ये भी बोला था, मैंने बोला सर आप मेरे फिंगरप्रिंट लगवा के वैसे निकलवा लो मेरी आईडी। नहीं तो आप कैसे उनको लगा कि आप उसके फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे हो, ये उनको कैसे लगा, क्यों उनको ऐसा लगा कि आप? इसलिए लगा सर जी क्योंकि मैं फार्म हाउस के पहले गेट पे खड़ के फोटोआं, जितनी भी फोटोज लेनी थी मैं ले चुका था। अच्छा, उसके बाद मैंने ऑटो वाले से पूछा कि अंदर जाने के लिए, वो बोल रहा था यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी हर आदमी को। मैंने बोला चल ठीक है, फिर हम ऑटो के अंदर चढ़ भी गए थे। जब ऑटो के ऊपर चढ़ने के बाद हमने देखा कि एक बकरी वाला उधर से जा रहा था फार्म हाउस के अंदर, पर हमें नहीं पता था कि उधर भी कोई गेट वेट है। पर अच्छा, फिर हमने देखा कि वहाँ पे एक बकरी वाला जा रहा था, उससे ऑटो वाले से पूछा तो वो बोला कि आप भी पूछ के आओ, कोई बात नहीं है, अंदर साइड जाने दिए आपको भी। तो मैंने बोला चल ठीक है। मैं वहां से उधर से गया तो एक सिक्योरिटी वाला बोला सर इधर से मत आओ, आप सीधे गेट पे आ जाओ। मैंने बोला चल ठीक है, फिर मैं गेट पे चला गया। उसके बाद उन लोगों ने आईडी मांगी, जब आईडी मेरे पास नहीं थी उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया, जब पुलिस ने मेरे से पूछताछ की तो सारा किस्सा पता लग गया उनको कि फेक आईडी वाला भी। हाँ जी, जब हाँ जी, फेक आईडी वाला था मेरे पे और कुछ नहीं था। और किसी हीरो के घर भी ऐसे गए थे आप देखने के लिए, किसी और एक्टर के घर के बाहर भी?
हाँ जी, और भी एक्टर के घर के पास गए थे, पर हमें इस चीज का भी नहीं पता था कि सलमान खान का वहाँ पे फार्म हाउस है या कुछ भी है, ऐसा नहीं पता था हमें। बताया गया था कि बंगला है वहाँ पे भी। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे भी हमें बाद में पता चला था कि यहाँ पे कोई फार्म हाउस है। जाने के बाद जब सवरा ये लफड़ा पड़ना था ना, उसके बाद पता चला था कि वहाँ पे एक फार्म हाउस है। सलमान खान के भी फैन थे आप? हाँ जी, सलमान खान का तो मैं उससे नहीं, बहुत पुराना फैन था। अच्छा, तो आप वहाँ पे फिर आप पुलिस ने आपको छोड़ दिया है, क्या कह के छोड़ा अब आपको? सर ये कह के छोड़ा है कि अब आपको कोर्ट में पेश होना होगा। हाँ जी, अब जो मतलब केस चलेगा, कहेगा सुनाएगा कुछ भी वो देखा जाएगा। वो जमानत, जमानत मिली अभी आपको? नहीं जी, नहीं मिली जमानत। जमानत नहीं मिली है अभी, क्योंकि केस धाराएं गंभीर थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी भी लॉरेंस बिश्नोई के गांव में ही दूतरामली में बैठे हैं, आप अपने मामा के घर पे बैठे हैं ना, तो हाँ, क्या आपका लॉरेंस बिश्नोई के साथ कोई कनेक्शन है? नहीं सर जी, उसका तो क्या है कि कब से, मेरे को तो पता भी नहीं है जितना, मतलब मामा जी को पता है कब से वो गया जेल के अंदर या कब से नहीं गया वो। पर क्योंकि आप उस इलाके से आते हो, आप अभी भी उसके गांव में बैठे हो, तो इसलिए भी शक बढ़ गया हो ना कि लॉरेंस बिश्नोई आपको पता है ना कि लगातार धमकियां दे रहा है सलमान खान को मारने की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसलिए शक ज्यादा बढ़ गया क्योंकि मैं बिश्नोई हूँ एक, और इसलिए ज्यादा शक बढ़ गया था कि वो भी एक लॉरेंस बिश्नोई है। उधर पुलिस वालों ने भी मेरे से यही बात पूछी थी कि तुम बिश्नोई होकर मतलब उसका फैन कैसे हो सकता है, ये बात तो झूठ है। तो मैं अब उनको कैसे समझा पाऊंगा कि मतलब मैं फैन हूँ एक। अच्छा, आप फैन हो, वो तो लॉरेंस बिश्नोई मारना चाहता और आप फैन हो? हाँ जी, हम तो शुरू से ही थे, आज के नहीं है सर जी। लॉरेंस बिश्नोई तो शायद अब धमकी दी होगी थोड़े टाइम पहले, पर मैं तो बचपन से इसका फैन हूँ। अच्छा, पर एक बात ये भी उठती है कि आपके पास इतना पैसा तो है नहीं। मैं आपके घर पे भी गया था, हमने परिवार वालों का भी इंटरव्यू किया, तो वो कह रहे थे कि इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते, तो कहाँ से जाके आपने होटल ले लिया, कैसे फेक आईडीज बनवा ली? तो इनको, आपके तो खुद घर परिवार वाले भी कह रहे थे, आपके मामा आपके माता पिता भी कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि ये किसी साजिश में ना आ गया हो, तो ये तो खुद आपके घर वाले भी नाराज हो रहे थे। पैसा नहीं था, मतलब हमारे पास दोनों के पास 15,000 रुपए थे और फर्नीचर का काम करता हूँ वैसे मैं, 18,000 रुपए महीने के ले लेता हूँ मैं। अच्छा, तो वहाँ जाके आप वहाँ गए, तो आप माता पिता आपके बड़े नाराज हो रहे थे आपसे, अब उनको तो समझाया आपने? सर जी, क्योंकि इतना बड़ा कभी पढ़ा ही नहीं है आज तक, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना, इसलिए।